नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज सिरमौर के नाहन चौगांव मैदान में हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां ध्वजारोहण के बाद वे स्कूली छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को आज प्रयागराज के चकिया स्थित उसके पैतृक गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां देर रात उसके शव को झांसी से प्रयागराज लाया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज से जम्मू के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जहां वे सियासत के अलावा कई इफ्तार पार्टियों में भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा आज जारी कर सकती है झांसी के मेयर प्रत्याशी का नाम। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक सतीश चकारिया को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से ग्वालियर और चंबल संभाग के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां वे पूर्व विधायक हरी सिंह नरवारिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और भिंड में बिजली सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। पटना को जाम से निजात दिलाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। अब बिना परमिट वाले ऑटो रिक्शा होंगे जब्त, साथ ही लगेगा जुर्माना। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके दिल्ली दौरे को लेकर घेरा। आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश बाबू आप पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। उन्होंने पीएम का मतलब पलटी मार बताया। बता दें कि आरसीपी सिंह किसी जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 16 अप्रैल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है, जहां आम आदमी पार्टी बोली गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। लाख कोशिश के बावजूद अमृतपाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि यूपी पुलिस ने 1 महीने के अंदर 4 बड़े अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया है, जिससे देश में पंजाब के सीएम भगवंत मान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि पंजाब में भी योगी जैसा सीएम होना चाहिए। क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर दिखेगा? डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी करतूत से मान्यता को गलत साबित कर रहे हैं। ऐसी ही करतूत उजीना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त रहे डॉक्टर हरप्रीत ने की, जहां 2 गुर्गों के साथ मिलकर उसने 13 लोगों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर करीब 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। जहां पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो गिरोह के मास्टरमाइंड हरप्रीत तथा उसके साथियों को नूह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मध्य पिंडर रेंज थराली के डुंडरी तोके जंगलों में आग लगने से जहां लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है, वहीं अब जंगल की आग गांव तक पहुंच गई है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा, मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का किया ऐलान। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पर भड़क उठे। उन्होंने न्यायाधीश की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि सभी को अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए काम करना चाहिए, प्रशासन का काम प्रशासन को करना चाहिए और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करना चाहिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,152 नए मामले आए हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,928 हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान 15,000 स्वयंसेवकों को संबोधित किया। बता दें कि यह कार्यक्रम 2025 में आरएसएस की शताब्दी समारोह से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आयोजित किया गया था। राजस्थान के 4 संभागों में 18 और 19 अप्रैल को आंधी बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर राजस्थान के कई जिलों पर दिखाई देगा।
सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील परिसर में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं कर्मचारियों अधिकारियों को उपजिलाधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने नेकी की राह पर चलने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर तहसीलदार घनश्याम भारती, नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, पेशकार उमेश सिंह, कैलाश नाथ शुक्ला और राजू सिंह मौजूद रहे। महुआ के पनवारी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में जय भीम और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए गए। वहीं पनवारी बाजार में समाजसेवी राम लखन सोनी द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।